नमस्ते गाइस, दिस इज कृष्णाकांत सिंह। नमस्कार, दिस शिल्पा सिंह राजपूत। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कृष्णा व्यूज। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो का टाइटल काफी दिनों के बाद लेकर आए हैं। काफी दिनों बाद लेके आए हैं, काफी दिनों मतलब एक सदियां नहीं बीत गई। पाँच छह दिन हुए होंगे और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी हम लोग शायरीज के ऊपर वीडियोस कर रहे हैं। काफी अननोन लोगों को एक हमारी कोशिश है कि कुछ बूस्टअप दिया जाए। तो और एक नई तरह की वीडियो होती है शायरी और क्या कहते हैं पोइट्री, देखना हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा। और इससे भी अच्छी बात ये है कि जिस तरीके से जो मेरे बाल कैसे हो गए हैं, जिस तरीके से जो कोशिश हमारी है वही कोशिश लोगों की भी है। लोग भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लोगों को भी काफ़ी अच्छी लग रही है इस तरीके की वीडियोस। और आज हम जिनको प्रमोट करने वाले हैं उनका नाम है मलंग की सैड शायरी, हिंदी हार्ट टचिंग शायरीज लेटेस्ट वीडियो है ये। और नहीं है वो, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है ठीक है। तो देखने में तो ये ऐसे लग रहे हैं कि मतलब काफी मतलब इनकी हालत मतलब इतनी अच्छी नहीं है, खराब ही लग रही है। मतलब एक वो कहते हैं ना स्ट्रीट सिंगर्स, हाँ वैसे ये स्ट्रीट शायर्स ऐसा कह सकते हैं, स्ट्रीट शायर। लेकिन फिर भी हम लोग इनको जज करेंगे इनकी शायरी से, इनके टैलेंट से, है ना। और बाकी लोग भी इनको जज करेंगे और देखेंगे इनके अंदर वो बात है कि नहीं, क्योंकि आजकल बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग ऐसे हैं जो रोड पर घूम रहे हैं। जैसे कि इंडिया में भी एक क्या नाम है उनका, रानू मंडल करके, जिनको वो गाती थी रेलवे स्टेशन पे और वहां से उठ के उनको मूवीज में सॉन्ग गाने के लिए मिल गए बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ। तो मतलब कुछ भी हो सकता है आजकल की लाइफ में, टेक्नोलॉजी का लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को नोस्ट्रा प्रो के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि एक गेम प्रिडिक्शन ऐप है इंडिया के लिए। और जो सबसे ऊपर लिंक दी गई है उससे साइन अप करने से आपको मिल जाएंगे 100 रुपीज। सो गाइस, आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हो पेटीएम और बैंक के थ्रू। और गाइस, इसके अंदर आप लोग विड्रॉल भी सेम मेथड के थ्रू कर सकते हो। और इसके अंदर आप लोगों को गेमिंग के कुछ क्वेश्चन जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बहुत सारे जो आईपीएल आएंगे, आईपीएल का सीजन आएगा, उसमें बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर भी आते हैं। सो गाइस, इसके अंदर गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं और अगर आप लोग उसको सही प्रेडिक्ट करते हो तो आप लोगों को पॉइंट्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप लोग क्रेडिट इकट्ठा कर सकते हो और आप लोग चाहें तो उसको विड्रॉल भी कर सकते हो। गाइज, इसके अंदर आप लोगों को विड्रॉल के लिए कोई पैन कार्ड वैन कार्ड लिंक करने की भी जरूरत है, तो बहुत ही सिंपल है। और गाइज, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है लैंग्वेज से तो अगर आप इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस में मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को तेलुगु लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, काफ़ी सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप लोगों को जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए और अभी डाउनलोड करिए। मोहब्बत का सिलसिला जब देखा है सो जाऊं तो जगा देती है, जाग जाऊं तो रुला देती है। मोहब्बत के अजब रंग देखे हैं ऐ फराज, वो याद तो आते हैं पर याद नहीं करते। वो और होंगे जो पीते हैं पानी मिला के, हम कलंदर मिजाज लोग हैं, हम पीते हैं जरा बोतल। चल खैर में भाई, मैं तुझे ढूंढने के लिए यादों की खुली सड़कों पर खुश्क पत्तों की तरह हर रोज बिखर जाता हूँ। उसको रब से इतनी बार मांगा है दिल ने, फराज क्या फरिश्ते भी कहते हैं तुम्हें और काम नहीं। एक और आता हूँ जी। अल्लाह, उसने मुझे परिंदा समझ के रात के अंधेरों में उड़ा दिया। उसे ये पता नहीं था कि जो परिंदे रात उड़ते हैं लौटा नहीं। एक तो ये पोएट लग रहे हैं जो पहले शायर से आई थी। यूं ही खाक में फेरी थी उंगलियां, जब देखा गौर से तेरी तस्वीर बन गई। यूं ही खाक में फेरी थी उंगलियां, देखा जब गौर से तेरी तस्वीर बन गई। अच्छा, एक और सुना ये बता। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे छुप के पढ़ा करो। ये जिंदगी का एक नया मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। जरा हुस्न पर्दा नशीन होकर आशकाना लिबास में, जो मैं कभी कहीं बन संवर के चलूं, मेरे साथ तुम भी चला। ये जबरदस्त था। चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर,
हमें जीने न देंगी तुम्हारी ये अदाएं, हमें जीने न देंगी तुम्हारी ये निगाहें, बड़ा प्यासा है ये दिल इसे मदहोश कर दो, हमारा होश ले लो होश। क्या बात है, वो वक्त ये वही है जब हम तेरे दीवाने, मुझे फेस तो वैसे लग रहा है लेकिन दांत कहाँ से आ गए, न तेरे जाने का गम, मिलना है तो मिल इस दुनिया के चमन में, फिर किससे मिलोगी जब लाश होगी कफन में। क्या बात है, सो डीप। अब के जो देखा हमने ईद का चांद, ना थी वो पहले सी खुशी, मेरा चांद तो तुम हो, तुम्हें देखते मिल जाती है जिंदगी। क्या बात है, जिंदगी में इस कदर धोखे दिए दोस्तों ने, कोई दोस्त कहता है डर जाता हूँ, तू किसी और के लिए होगा समंदर इश्क शहजाद, मैं रोज तेरे साहिल से प्यासा गुजर जाता हूँ। ये पेंटर है, उम्र भर लिखते रहे वर्क फिर भी सादा रहा, जाने वो कैसे अल्फाज थे जो हमसे तहरीर ना हो सके। क्या बात है, आपको फेमस शायद हो गया, मिली है खुशी तो गम मुझसे रूठ गए, दुआ करो मैं फिर उदास हो जाऊं। क्या बात है, दुकान में खरीदने जाता है एक शायरी सुना के निकल जाता है। और के लिए होगा समंदर इश्क शहजाद, मैं रोज तेरे साहिल से प्यासा गुजर जाता हूँ। क्या बात है, ये वाले जो शायरी है ना ये बहुत अच्छे हैं। उम्र भर लिखते रहे वर्क फिर भी सादा रहा, जाने वो कैसे अल्फाज थे जो हमसे तहरीर ना हो सके। आपको फेमस शायद हो गया, मिली है खुशी तो गम मुझसे रूठ गए, दुआ करो मैं फिर उदास हो जाऊं। हां दुआ करो मैं फिर उदास हो जाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों पर्सनैलिटी डिफरेंट थी, एक ही वीडियो में मर्ज किया है इनको, और क्या बोलते हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी डाउट था कि फेस थोड़ा थोड़ा सेम था, सिमिलर, बाल भी थोड़े सिमिलर लग रहे थे, हाँ बियर्ड भी सेम था, लेकिन फिर भी वो दांत गायब थे उनके पहले वीडियो में और फिर उसके बाद, तो थोड़ा सा डाउट है। और जो भी कुछ हो आप लोग हमें अच्छे से बता सकते हैं। हमें ना नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मतलब बहुत ही अच्छी शायरी बोलते हैं। एक बार रैंडमली हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और वहाँ पे एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, मतलब इतना भी बड़ा नहीं था, पर उसको बहुत शायरी आती थी। वो पता नहीं वो कहाँ से सीखा था उसने, नॉर्मल ऐसे नहीं ट्रेन में आते वीडियो बनाना चाहिए थी ना। अरे यार उस टाइम नहीं थे मेरे पास फोन और ये सब वीडियो बनाना, हम खुद छोटे थे उस टाइम में, तो अभी मैं उसको बच्चा बोल रही हूँ, अभी वो भी बड़ा ही हो गया होगा, बट वो लिटरली बहुत अच्छे शायरी बोल रहा था, और मतलब शायरी बोल बोल के, और सारे जो अंकल लोग होते हैं ऐसे, और वो लोग तो बोलते हैं हाँ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, तेरे को पैसे मिलेंगे ऐसे करके, तो वो तो ऐसे सुनाए जाए उसको कितनी सारी शायरी आती है। मुझे ऐसा लगता है और मेरा ऐसा मानना है ना, जो कॉमेडियन होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन की बात कर रहा हूँ, जो कि स्टेज पे खड़े होकर कॉमेडी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट लाइव, और जो शायर होते हैं, जो लेखक ही समझ लो एक तरीके से, राइटर होते हैं, चाहे वो पोएट हो गए चाहे, है ना, इनका जो दिमाग है ना वो मतलब जो नॉर्मल लोग से है ना थोड़ा सा एक कदम दो कदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है, इनका दिमाग बहुत फास्ट चलता है। ये लोग अगर स्टेज पे खड़े होंगे ना, मतलब तुम सोचो ये जो शायरी एक चीज है, क्या चीज़, ये सिर्फ एक एक शब्दों का खेल है ये, मतलब ये लोग ने वही है बस वो किसी ऐसे अंदाज में बोले, नॉर्मली अंदाज में बोले वो चीज चल रही होगी। और बहुत सारे शायर ऐसे भी होते हैं ना कि वो तुम उनसे बात कर रहे होगे ना तो वो ऑन द स्पॉट भी बना देंगे, उनके दिमाग में चल रहा होगा प्रोसेस और फट से वो। मोस्ट ऑफ मैंने ऐसे मतलब जितने भी हम लोग शायरी वीडियो देखते हैं ऐसे देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ लोग ऐसे ही रखते हैं जो मतलब ऐसे ही होते हैं, जो मतलब लाइक ऑन द स्पॉट बनाने, ऑन द स्पॉट बनाते हैं और ऑन द स्पॉट बोल देते हैं। तो और कॉमेडियन भी ऐसे होते हैं, क्योंकि कॉमेडियन क्या होता है कि उनके दिमाग में एक जोक मुंह से निकल रहा होगा ना, तो उसके दिमाग में दूसरा चीज फटाक से प्रोसेस हो रहा होगा कि कौन सा जोक मेरे को ऑन द स्पॉट उस सिनेरियो को देख के, कुछ देख के उनके सामने कुछ ऐसा हो रहा होता है उसको देख के फट से जोक मारते हैं। तो जो कॉमन लोगों की थिंकिंग जो धीरे धीरे चलती है ना, इनकी थोड़ा माइंड में प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। तो और ये देख के भी काफी अच्छा नहीं लगा कि मतलब चाहे पहले वीडियो में थे दूसरे वीडियो में थे, और इनकी हालत भी काफी खराब लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि पहले ही काफी पढ़े लिखे होंगे, अच्छे खासे होंगे, मेरे ख्याल से पोएट होंगे ऐसा। आई एम सॉरी बार बार लोग भी बोलते हैं कि करती है कृष्णा ने, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो ही हम शायर हो सकते हैं या राइटर हो सकते हैं।
लेकिन एक शब्दों का चुनाव होता है ना कि किस तरीके से उस वर्ड को पिक तो करना है। मतलब जो इन्होंने बोली मुझे ऐसा हिंदी और उर्दू ही थी ना, मुझे क्या लग रहा है मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस भी ऐसी आ रही, बहुत सारे भिखारी जो होते हैं वो बचपन से भिखारी नहीं होते, कुछ हालात होते हैं उनके जीवन में, कुछ टाइम ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको भीख मांगने पे वो लोग मजबूर होते हैं, और मोस्ट ऑफ केसेस में आजकल यही पाया जा रहा है, जो कि मल्टी टैलेंटेड लोग है, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो सिंगिंग में आ, चाहे वो किसी भी, एक दो वीडियो मैंने ऐसे भी देखे कि वो भिखारी होते वो इंग्लिश बोल रहे हैं, वो खुद को अपने आप को ग्रेजुएट बता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि ये कुछ हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, उसकी वजह से कुछ घर से निकाल दिया जाता है, या फिर कोई धीरे धीरे मेंटली लेवल पे थोड़ा कमज़ोर होता है तो फिर वो उस तरीके से वो उसको समझ नहीं पाता, लेकिन वो होते हैं बचपन में उनका सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ अच्छा होता है जवानी तक, उसके बाद से वो लोग इस तरीके हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायरी ये अपने जवानी के टाइम पे लिखा करते थे, बोला करते थे, पढ़ा करते थे, ठीक है, और आई थिंक उसके बाद इनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ होगा जिसके बाद इनका ऐसा हो गया है, लेकिन वो सारी जो चीज़ें हैं वो दिमाग में अभी भी है, ऐसा नहीं कि रोड पे बैठ के इनके पास कॉपी किताब कलम नहीं है और ये 5 और 6-7 लाइन की शायरी बोल रहे हैं बिना देखे। तो मेरे ख्याल से ये पहले बोलते थे, और एक बार जो होता है ना दिमाग में चढ़ जाती है जो चीज़ें, तो वो बहुत साल बाद भी अगर बोला, इसलिए मैं बीच में ये भी नोटिस कर रहा था कि कुछ शायरीज वो बीच में भूल भी जा रहे थे पहले वाले वीडियो में, वैसे बोलते हैं हाँ ऐसे सोचने लगे, फिर बोला कि हाँ चलो तो उसे सुनाता हूँ, मतलब कुछ कुछ चीज़ें उनके माइंड में थोड़ी धुकी धुकी हो गई, लेकिन कुछ कुछ उनको एकदम परफेक्टली याद था। वही है, शेर अगर बूढ़ा भी हो जाएगा तो प्यार करना नहीं भूलता। तो मुझे ऐसा लगा जहाँ तक ये देख कर। हाँ ऐसा भी हो सकता है, बट वी डोंट नो, अगर ये लोग ऐसा, ये लोग हमें बता सकते हैं ना कि वो लोग इनको पहले से जानते हैं या नहीं, मे बी ऐसा हो सकता है कि कभी अपने जमाने में फेमस रहे हो। और बात ये भी है सोचने की एक कि क्या बोलते हैं ये लोग ऐसे होकर, चलो इनकी एक टाइम पे कदर नहीं हुई, लेकिन ये जो हमारी जो सोशल मीडिया की लाइफ है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से कोई भी पॉपुलर हो जा रहा है, कोई भी फेमस हो जा रहा है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि ट्रेन में भी जाओ तो बहुत सारे ऐसे रॉ सिंगर्स हैं जिन्होंने कहीं भी ट्रेनिंग ली, कुछ भी नहीं, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छा गाता, लेकिन स्टिल वो कई सालों से भीख मांग रहे होते हैं, या जैसे शायर हो गए, वो भीख मांग रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो रिच होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, वो ट्रेन में जो बोगी में कुछ 50 लोग ये लोग बैठे हैं आसपास में, वही लोग उनको सुनते हैं, थोड़ी देर तक दिमाग में रखते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया है, कोई भी वीडियो डाल देता है तो अगर एक सेकंड में करोड़ों तक लोगों तक पहुंच जाते हैं, जैसे यहाँ करोड़ों लोग तक पहुंचती है, काफ़ी सारे ब्रांड और काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग उनके अंदर अपना फ़ायदा देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ इनके थ्रू हम लोग भी थोड़ा बहुत फेम कमा सकते हैं, और हमारी मूवी आ रही है उसमें अगर इनको काम दे दो तो हमारी मूवी भी पहले से हिट हो जाएगी, ऐसा बहुत तरीके दिमाग चलने का, वो सब अपनी बात है, सब लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन लोगों का भला हो जाता है उसके अंदर। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छी काम हो रहा है ये। सो गाइस देखिए आज की वीडियो हो, आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब, और हमारे एक दूसरा चैनल है शिल्पा व्यूज के नाम से, जरूर आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो गाइस हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे इस तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस, नमस्ते।